मरे हुए व्यक्ति की ये तीन चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी तीन चीज़ें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लग जाते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, या यूँ कहे कि मरने वाले व्यक्ति के समान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के तीन ऐसे समान हैं जिनका उपयोग परिजनों को नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपने मृत परिजनों की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी तीन चीज़ें हैं जिनका भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूलकर भी अपने शरीर पर उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती हैं। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उन वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। मृत व्यक्ति के गहने। मान्यता है कि मृतक व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज़्यादा होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर आभूषणों का उपयोग करता है तो ऐसे में उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शरीर व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए, लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवाकर पहन सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति ने मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था तो इसे भूल कर भी पहनने की गलती ना करें। मृत व्यक्ति की घड़ी। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर उसे कष्ट देते हैं। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल न करें। यह जानकारी मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी प्रयोग को करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है।